अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे हैं जी। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में डेली लाइफ प्रॉब्लम को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो आज हम 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है वो गिवन है, उस प्रॉब्लम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करेंगे। फॉर्म में आपको सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हमें इस सिस्टम को या इस प्रॉब्लम को इक्वेशन की फॉर्म में यानी अलजेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्टूडेंट आइसोसेल्स ट्रायंगल ऐसी एक ट्रायंगल होती है जिसमें टू साइड जो होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है और जो थर्ड होती है वो डिफरेंट होती है। लेट्स से अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी एक साइड और भी 5 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको कह दें कि ये भी 5 सेंटीमीटर है तो ये डिफरेंट होगी, मे बी वो इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो इससे कम भी हो सकती है, ये 6-7 सेंटीमीटर यानी उससे ज्यादा या उससे कम हो सकती है। जो दो साइड सेम होती हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल में तो वो जो एंगल बनाती हैं वो भी दोनों सेम बनाती हैं, मतलब जितना एंगल यहां पे बनेगा उतना ही यहां पे बनेगा और इधर वाला एंगल जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये होती है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब मैं कहा जा रहा है कि एक जो आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसका जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है, किससे, लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। अभी मैंने बताया कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों एंगल इक्वल है। वो कहता है कि अगर इन दोनों एंगल्स का हम सम ले लें तो ये जो थर्ड वाला एंगल है वो इन दोनों के सम से 16 डिग्री जो है वो क्या होगा, कम रहेगा। आई कैन फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बाई यूजिंग, आगे हमारे पास मेथड हैं जिन मेथड के जरिए हमने उसको सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी है और क्रैमर रूल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस प्रॉब्लम को इक्वेशन की फॉर्म में यूज करना है। देखिए अब आपके सामने ट्राइंगल है, आप लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 3। अब हम जो है इस ट्राइंगल के एंगल्स को लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल को हम कह देते हैं एक्स, सेकेंड एंगल को हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास है वाई, एंड थर्ड एंगल को हम लेट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास 3 एंगल आ गए इस ट्राई एंगल के। अब इनमें हम अगर इस ट्राई एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नॉमिनेट कर दें, इस एंगल को हम नाम दे दें एक्स का, इसको वाई का और इसको Z का। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों क्या है, ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये जो थर्ड साइड के साथ ये दोनों एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल्स भी दोनों के सेम होंगे। अब अगर हम यहां पे ये लेट कर देंगे, लेट Y इज इक्वल टू Z, के Y और Z दोनों जो है वो इक्वल है, तो फिर अगर हम इसकी कंडीशन को देखें जो वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू एंगल जो है वो एक थर्ड एंगल यानी जो दो इक्वल एंगल हैं उन दोनों का सम लें तो वो जो हमारे पास एक जो डिफरेंट एंगल आ रहा है उससे वो क्या है, वो जो दोनों का सम है वो उससे 16 डिग्री ज्यादा आ रहा है, मतलब जो सिंगल एंगल है वो इन दोनों के सम से 16 डिग्री कम है। तो इस तरह सिंगल एंगल जो डिफरेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक जो है हम क्या लिखेंगे, एक्स, यानी हमारे पास थर्ड एंगल है जो कि बाकी दोनों एंगल से डिफरेंट है। अब कह रहा है कि ये जो है ये इन दोनों के जो दो इक्वल एंगल हैं उनसे ये 16 डिग्री कम है। अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, सॉरी एक्स नहीं आएगा, ये हमारे जो डिफरेंट एंगल हैं वो है वाई और जी, तो हम कर देंगे वाई प्लस जी। अभी ये इक्वल नहीं हुआ, वो कह रहा है कि वो 16 डिग्री इनसे कम है। अब या तो इनमें से 16 कम कर देंगे या इसमें 16 ऐड कर देंगे, तो दोनों कंडीशन में क्या हो जाएंगे,
ये दोनों जो है ये इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहां से 16 डिग्री माइनस कर देते हैं, यानी वो 16 कम है, इसमें से 16 कम, इन दोनों के सम में से 16 डिग्री कम कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल, मतलब अब ये सम के इक्वल आ रहा है, कैसे, उसमें से 16 डिग्री माइनस करने पे। अब अभी हम ऊपर कह चुके हैं कि y जो है वो z के इक्वल है, तो इट मीन हम y की जगह पे z या z की जगह पे y पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस y माइनस 16। अभी y प्लस y करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 16। 2y को हम लेफ्ट साइड पे लाते हैं क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये भी हमने फर्स्ट कंडीशन इस पे अप्लाई की, उस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास इक्वेशन आ गई। अभी इसके बाद ये कॉमन सेंस है, अभी इसके बाद उसने कोई कंडीशन कोई कुछ नहीं बताया, क्योंकि यही देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, जो स्टेटमेंट में उसने बोल दिया उसके मुताबिक हम लोगों ने ये एक इक्वेशन बना दी। अब उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन एक इक्वेशन का सिस्टम तो मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमने कॉमन सेंस कंसेप्ट यूज करना है, वो कंसेप्ट हमारा ये है कि ये जो ट्राइंगल है इसके तीन एंगल हैं, तीनों एंगल का अगर हम सम लेते हैं तो वो आता है 180 डिग्री, ये कॉमन सेंस पर आ जाए वो पॉइंट है, तो उसके मुताबिक हम क्या कर देंगे, इन तीनों एंगल को जिसको हम एक्स वाई जी कह चुके हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी गई, लेकिन कंडीशन तो बन रही है ना, कि अंडरस्टूड बात है। सेकंड कंडीशन में आ रहा है कि x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, के तीनों एंगल्स का हमने सम लिया, सम 180 के इक्वल होता है। इधर हम कह चुके हैं कि y इज इक्वल टू z या z इज इक्वल टू y, y और z इक्वल है, यहां हमने रिप्लेस कर दिया था y को z के साथ, तो यानी z की जगह पे हमने y पुट कर दिया, तो उसी इक्वेशन में भी यही है, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल है, तो ये हमारे पास तीन आ रहे हैं, तो तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे मैट्रिसेस को यूज करते हुए। लिहाजा ये दोनों इक्वल होने की वजह से हमने पहले भी z को रिप्लेस किया वाई से, अब भी z को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब y प्लस वाई जो है ये बन जाएगा 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, यानी जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 में पार्ट थे उसी तरह से बन गई ये इक्वेशन 1 और 2। अब 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 1 माइनस 2 और सेकेंड इक्वेशन में आ रहे हैं 1 2। वेरिएबल हमारे पास इस सिस्टम में यूज हो रहे हैं एक्स वाई इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट आ रहे हैं वो हमारे पास है माइनस 16 और यहां हमारे पास आ रहा है 180। यूनिट साथ ना भी लगाए तो इश्यू नहीं है, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए, ये एक्स और ये वाला बी। अब हमने दो मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड भी है, क्रेमर रूल भी है, पहले एक मेथड यूज करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है, यहां से ए को हम जो है राइट साइड पे ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इन्वर्शन मेथड करना हो या क्रेमर रूल करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है उस गिवन मैट्रिक्स का, यानी जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स होता है, जो सिस्टम को हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, कॉफिशियंट मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है, मीन ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 2 1 2। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा,
ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, रिजल्ट आ जाएगा 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अभी हमने क्रैमर पहले इन्वर्शन मेथड यूज करते हैं, तो इन्वर्शन मेथड के लिए अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, ये इन दोनों के डायगोनल वाले एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, 2 यहां आ जाएगा, नॉन डायगोनल नेगेटिव हो जाना, यहां प्लस माइनस 2 है तो ये प्लस 2 बन जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा और यहां आ जाएगा ये वाला 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो हमारे पास इनवर्स ऑफ ए बन गया 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4, अब एडजॉइंट आ रहा है 2 माइनस 1 1, तो ये इनवर्स आ गया। अब इनवर्स वाले को वैल्यू और ये बी की वैल्यू जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज का मैट्रिक्स आ रहा है, इन दोनों को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। यानी इक्वेशन 3 बिकम्स एज, जब हम इसमें पुटिंग करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 4, यह आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस 16 और ये आ जाएगा 180। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे 1 ओवर 4, अब ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, और यहां फिर जब सेकंड रो में आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 16, और फिर जब इसको करेंगे तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 ओवर 4, और यहां आ जाएगा हमारे पास 2 को माइनस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 32 प्लस 2 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 360, और फिर माइनस माइनस प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 180 1 ओवर 4, और यहां हमारे पास 360 में से हमने 32 को माइनस करना है, जब 32 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 328, और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 196। अभी हम 1 ओवर 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 328 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, और इधर आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4, तो ये हमारे पास जो है ये इस फॉर्म में आ गया। अभी हम इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये बनेगा 41 आर 4, 48 आर 32, और ये 2 को ये 4 पे डिवाइड करेंगे 8 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहां से जो है ये क्या आ जाएगा 41 आर 4, 4 4 16, यहां से बच गया 3, ये 36, 4 9 36। तो ये हमारे पास जो x मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ गया, x मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है x एंड y, और यहां पे क्या आ जाएगा 82 और यहां आ रहा है 49। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो इट मींस x इज इक्वल टू 82 और y इज इक्वल टू 49, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अभी देखिए x हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट एंगल है, y हमारे पास सेकंड एंगल है, y और z हम कह चुके हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस थर्ड एंगल भी उसी के इक्वल आ रहा है। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 82 डिग्री, सेकंड एंगल इज इक्वल टू y और वो हमारे पास है 49, एंड थर्ड एंगल
इज इक्वल टू जी, जी इज इक्वल टू वाई, और ये भी क्या आ रहा है 49 डिग्री। तो अभी हमारे पास जो कंडीशंस थी वो कहता है कि दोनों जो इक्वल एंगल हैं उनका सम ले तो वो क्या आना चाहिए, वो जो एक सिंगल एंगल है उसे 16 डिग्री ज्यादा, मतलब वो अकेला एंगल है। अब 49 और 49 दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो वो बन रहा है हमारे पास 98, उसमें से हम 82 माइनस कर दें तो यही हमारे पास 16 बच जाएगा। तो वही दोनों का डिफरेंस था कि जो सिंगल एंगल है यानी जो थर्ड एंगल जो उन दोनों से डिफरेंट है वो क्या आ रहा था, उनसे जो है वो 16 डिग्री लेस है। तो वही बात आ रही है कि अगर हम 82 में 16 प्लस कर दें तो वो 89 हो जाएगा, या फिर हम 89 में से 98 में 82 ऐड उसमें से माइनस कर दें तो वही 16 का डिफरेंस रह जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्रेमर रूल के जरिए इन्वर्शन मेथड के जरिए सॉल्व किया। अभी हम जो है इस सिस्टम को क्रेमर रूल के जरिए भी सॉल्व करते हैं कि क्रेमर रूल के जरिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने तक तो सेम ही रहता है, डिटर्मिनेंट से आगे जितना डिफरेंट आ रहा है हम वो वाला हिस्सा इसका जो है वो उसके मुताबिक भी सॉल्व कर देते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से तो हमने कर लिया है कि अब ये क्रेमर रूल के जरिए इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करना है। जी, तो ये बाकी सेम एज इट जो है वो इन्वर्शन मेथड ही रहेगा। तो इसके बाद हमने क्रेमर रूल को यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स राइट करते हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें से फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं -16 180, और जो ये हमारा सेकंड है ये वैसे रह जाएगा, और इसमें आ रहा है हमारे पास -2 और यहां आ जाएगा 2। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स के लिए ये वाला सिस्टम बन जाएगा, और दूसरे वाले के लिए हमारे पास आ जाएगा ए वाई। ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 1 1, और ये जो है अब इसको उससे रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -16 180। तो अभी ये हमारे पास बनेगा, अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -16 -2 180 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -16 multiply by 2 -into 180 multiply by -2। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -32, और फिर जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस तो ये बनेगा 360। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 328, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें से माइनस कर दिया। फिर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए वाई का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 1 1 -16 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 multiply by डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 1 multiply by 180 -1 multiply by -16। अब ये हो जाएगा 180 माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और ये आ जाएगा 196। ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अभी हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास आ रहा है 328 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। जब इसको कैंसिल करेंगे 4 1 4 4 8 32 4 2 8, ये आ गया 82। फिर आ रहा हमारे पास y, तो y के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई डिटर्मिनेंट
ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, ए वाई का डिटरमिनेंट आ रहा है 196 ओवर 4, 4 1 आर 4, 4 4 16, यहां से बच गए 3, 36, तो ये आ जाएगा 4 9 आर 36, तो ये बच गया हमारे पास 49। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यूज आ गई, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है वो हमारे पास है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 82, ये 82 डिग्री आ गया। सेकंड एंगल जो है वो हमारे पास है वाई, और वाई की वैल्यू हमारे पास है 49, और थर्ड एंगल जो है वो जी, हम इधर कह चुके हैं कि जी और वाई जो है वो दोनों इक्वल हैं, तो जी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 49 डिग्री, तो ये हमारे पास तीनों एंगल जो है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल के आ रहे हैं। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मैंने बताया था कैसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो थर्ड साइड के साथ एंगल बना रही होती हैं वो एंगल भी सेम होते हैं, यानी वो भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो है वो डेली लाइफ प्रॉब्लम था जिसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में यानी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद हमने दोनों मेथड के जरिए इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके अल्लाह।